गर्मियों में आपको पता है कि हम घर में किचन में भी काम करना होता है, तो इजी और सिंपल डिज़ाइनिंग आप जो है ना वो प्लेन लॉन के ड्रेसेस पे किस तरह करा सकते हैं, आज मैं आपको शर्ट की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट शर्ट देखते हैं। इसका प्रिंट कुछ इस तरह था, ये इसका प्रिंट था। तो इसका जो नेक लाइन था वो सबसे पहले मैंने बॉट नेक बनवाई थी। बॉट नेक होता है जिसका फ्रंट और बैक जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो इसकी ये स्ट्रिप्स हैं, ये साइड से प्लेन जो है ना वो कपड़ा था उसका उतर के, तो उसको मैंने फिर ये ऐसे कहा कि दो बॉट नेक के साथ ये फ्रंट पे ना लगा के और फिर उस पर ये शीशा लगवा लिया था ये। और इसके प्रिंट को ब्रेक करने के लिए ये दो पॉकेट्स लगवाई हैं। पॉकेट्स के साथ ये नीचे उसने थोड़ा सा जो है ना वो कट वर्क जैसे ये पॉपेट्स लगा दिए हैं, ये एक पॉकेट इधर और एक ये पॉकेट इधर, ये देखें। तो ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, ये देखें इस तरह। इससे नीचे से इसकी पॉकेट है और नीचे जो है वो हल्की सी जो है ना वो लेस अटैच करवा दी थी ये इस तरह। और ये इसके जो है ना वो स्लीव्स मैंने फ्रंट से प्लेन रखवाए थे और यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर आके ना ये आपके जो फ्रंट कंधे पे है ना ये वहाँ पर आता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो उस पर फिर ये इस तरह मूव, तो ये दोनों तरफ जो हैं ये इसके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कट इस तरह बनवा के आप उसमें मोती लगा सकती हैं और ये पॉकेट्स, ये अब आप इसका यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने दर्जन को या टेलर को दिखा के आप स्टिच करा लें, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट शर्ट। अब मैं आपको अपनी सेकंड शर्ट दिखाती हूँ। ये भी इसी तरह जो है वो ब्लॉक प्रिंट पे था, प्लेन जैसे घर में कैजुअल पहनने के लिए ये सब तीनों सारी शर्ट्स जो है ना वो डिज़ाइन करवाई थी मैंने, कि जो किचन में काम करते हुए भी मैं बिल्कुल तंग ना करे। ये लेस दी थी मैंने उसको, ये मैंने लेस दी थी कि बॉर्डर उसमें गले पे उसने अटैच की है और ये ऐसे ना आपकी शोल्डर्स में, ये फ्रंट और बैक पे शोल्डर्स में ये ऐसे। और उसके बाद ये इसका जो प्रिंट था ना ये एक तरफ था, ये ब्लॉक एक तरफ था, इस तरफ कुछ नहीं था। तो फिर मैंने उसे कहा था कि इस तरफ जो है ना वो एक प्लेट डाल के उसमें ये इस तरह हुक्स लगा दे, ये देखें ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने में। और फ्रंट पे जो है वो ये चौड़े वाले कट्स, एक तो छोटे वाले कट होते हैं ना, एक चौड़े वाले कट करके तो उसके अंदर एक एक ऐसे पॉपेट अटैच किया, फिर दरमियान में एक एक मोती। तो ये इजी सिंपल भी होते हैं घर में पहने हुए भी, घर में काम करते हुए भी अगर आपके अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो पहने हुए भी प्यारे लगते हैं और एक इनमें लुक भी अच्छी आती है। और इसके स्लीव्स ये मैंने अपने स्लीव डिज़ाइनिंग में भी ऐड किया था, ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है स्लीव। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर अपने समर के ड्रेसेस में ट्राई कीजिएगा। ये देखें आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं अब आपको फुल शर्ट रख के दिखाती हूँ ऐसे, ये देखें ये आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इसके दामन का, ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर डिज़ाइन करवाइएगा। अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ थर्ड शर्ट। इसका भी प्रिंट कुछ इस तरह था कि इसको भी ब्रेक कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके जो गल नेक लाइन थी उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इसलिए इसको मैंने नहीं छेड़ा, सिर्फ उसने जो है वो गला बना दिया। उसके बाद इसमें जो है ना वो स्मॉल वाले कट्स, वो मैंने आपको दिखाए हैं बड़े वाले कट, और ये देखेंगे स्मॉल वाले कट के अंदर एक एक जो है ना वो धागे वाला टसल अटैच करवा दिया था। और ये जो वाला बॉर्डर था ना ये साइड पे मिला था, पूरे ड्रेस के साथ जो साइड पे बॉर्डर मिलता है ना, तो वो बॉर्डर जो है ना वो चौक पे अटैच करवाया था ऐसे करके, ये देखें ऐसे करके ना दोनों तरफ दोनों साइडों पे चौक पे अटैच करवा दिया था। तो इससे ना इसकी लुक ज़्यादा और निकल आई ड्रेस की। ये आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दामन का। और इसके स्लीव्स जो हैं वो उसी तरह कट्स रखवाए थे, लेकिन उनमें वो नहीं अटैच करवाया क्योंकि घर में आपको पता है ड्रेस पहनना होता है, लॉन का काम करना होता है, तो स्लीव्स में मैंने टसल नहीं अटैच करवाए, सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो दामन पे अटैच करवा लिए थे टसल। तो ये बड़ी सिंपल सी लॉन की शर्ट्स पहनी हुई घर में बहुत प्यारी लगती हैं। अब ये देखें ये मेरी फोर्थ शर्ट है लॉन की, ये देखें ये इसकी नेक लाइन, ये मैं तो इसको टी शेप कहती हूँ, वी शेप भी होती है, ये भी पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है पट्टी के साथ। अगर आपने गले पे कुछ जो है वो एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो इस तरह आप कट करवा के इस तरह एक तरफ लेस अटैच करवा के तीन बटन्स लगवा दिए
और इसका प्रिंट ओवरऑल था, मतलब स्ट्रेट था, तो उसको ब्रेक करने के लिए सेंटर में ये ना जॉइनिंग लेस जो होती है, जॉइंट लेस, वो अटैच करवाई है। और ये देखें, ये यहाँ से नहीं करवाई, एक होती है जो कंधों से होती है, ये मैंने उसे कहा था इस तरह करें गुलाई में, ये गुलाई में अटैच करवा के नीचे मैंने प्लेन रखवाया है, बस सिर्फ साइड पे एप्लिक करवाई है। और इसके स्लीव्स दिखाए थे, ये भी मेरे स्लीव डिज़ाइनिंग में है वीडियो में, ये वाला डिज़ाइन भी, ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, ये ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा होता है, तो आप इसको वेयर करते हैं ना, ये देखें, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ऐसे ठीक है। इसको भी मैं ओवरऑल रख देती हूँ, आप इसकी नेक लाइन का स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, ये इसके स्लीव्स और ये इसके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली एक्साइटिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।